हनुमान मंदिर का ये इलाका है। दृश्य आप देख सकते हैं, दृश्य पे मैं खड़ा हूँ जिस ब्रिज से पूरे नलपारा के लोगों का आना जाना होता है। हर बारिश में यह ब्रिज पे बड़ी तकलीफ होती है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय महिला है, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगी आप, ये ब्रिज है, ब्रिज की समस्या है, कितनी समस्या है ब्रिज के अंदर जो भी पानी वगैरह आता है, हम लोग को आसपास में रहने वाले को गरीब लोग को सबका मतलब हम लोग को तकलीफ होता ही है। हाँ। सबका तकलीफ होता है। अभी बनाएगा 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 करके 15-20 साल से हम लोग यही गुजार करता है, मगर कोई बनाता नहीं है। और नाला का नीचे वाला कचरा कभी साफ नहीं करता है। पहले एक मुसलमान आया था साफ करने के लिए, वो भी नहीं किया। भानुशाली आया था, वो भी नहीं किया। अभी ये लोग आया था, क्या करता है पता नहीं। हम लोग कुछ बोलने जाएगा, वो बोलता है दोनों बाजू नाला का बगल में घर है, बोलता है बम्बई के अंदर नाला के अंदर घर नहीं है। ऐसा लोग को कौन है, कौन सा जगह है, कौन सा मुख्यमंत्री है, कौन सा प्रधानमंत्री है, क्या मांग करेंगी यहाँ पे आपसे? मतलब आप एक बात सुनिए ना, बात पूरा करिए। फिर इतना लोग बोलता है, कभी मैं महानगर पालिका लोग आता है बोलता है अगल बगल में दोनों बाजू घर है, कचरा नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? फिर अगल बगल में घर नहीं रहेगा तो महानगर पालिका का आम पब्लिक का टैक्स भर के लेता है, पानी का बिल भर के लेता है, डीएमसी वाला आके लाइट बिल भरता है। एक महीना हम लोग को गरीब लोग नहीं भरेगा, वो लोग को बोलता है लाइट कट करो। हम लोग इतना मुसीबत झेलता है तभी नहीं कर सकता है क्या? तभी ये किधर जाता है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लोग गरीब लोग से वोट मांगने को गली गली में घूमते है? कोई सहारा मिलता है क्या हम लोग को? एक वड़ा पाव नहीं मिला था हम लोग यहाँ खाने के लिए। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से हम लोग ये मांग करेंगे और ये ब्रिज अच्छा करे, नाला अच्छा साफ करे, आम पब्लिक का टाइम गरीब लोग का बारिश का टाइम थोड़ा आके साधन देखे और गरीब लोग को कुछ अनाज देवे, गरीब लोग को कुछ मदद करे। मगर प्रशासन से ये मांग रहे, ऐसा नहीं है आके सिनेमा हीरो लोग का जैसे आता है आके हाथ दिखा के जाता है, अपना गाड़ी का पास खड़ा रखे फोटो निकाल के जाता है। वो प्रशासन से हम लोग वो नहीं मांगता है, आम पब्लिक को मदद मांगता है। बारिश आने से पहले थाने में नाले की सफाई शुरू हो जाती है, लेकिन नलपाड़े के इस नाले को देखकर ऐसा लगता है कि कई वर्षों से नाला साफ नहीं किया गया है। देखना यह है क्या इस वर्ष इस नाले की सफाई होती है या कागजों में इसे साफ दिखाया जाता है। नगर सेवक हर साल बोलते हैं कि हम यहाँ पे आएंगे, हर काम करेंगे, आपका हर जो सुविधा है, हर जो मुसीबत है हम पूरा करेंगे, लेकिन इस हमेशा देखा जाए हमेशा यहाँ पे पानी भरता है, कभी भी कुछ सुविधा नहीं होती है। बस आएंगे दूर से बोलेंगे, हर साल आएंगे, ये हम आपका नाला साफ करेंगे, इधर कभी पानी नहीं भरेगा, आने वाले टाइम में आपको कुछ परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हर साल हर समय यही प्रॉब्लम होता है, सभी के घरों में पानी आ जाता है। अगर इस साल इस बार पानी भरा तो हम लोग नगर सेवक का बहिष्कार करेंगे, हमको ये नगर सेवक नहीं चाहिए। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से यही करेंगे, आप आके देखिए, बस दूर से यहाँ देखेंगे हमारा काम हो जा रहा है, काम हो जा रहा है, काम बिल्कुल नहीं होता है, बस बोला जाता है कि आपका काम हो गया। यहाँ पे आने के बाद हमेशा देखेंगे पानी भरा रहता है, सभी के घरों में यहाँ पे देखेंगे 80% लोगों के घरों में पानी भरा रहता है, फिर बोला जाता है कि आपका काम हो गया। लेकिन आओ हर साल देखो, हर साल सभी के घर में वो 25,000, 30,000, 40,000 का नुकसान, बाकी कुछ भी सुविधा नहीं मिलती हमें यहाँ। हमेशा किसी का घर का सामान टूट फूट गया है, किसी का बिस्तर गीला हो गया है, किसी को रात भर सोने का सुविधा नहीं है, खाने का सुविधा नहीं है, पीने का कुछ सुविधा नहीं है, पाइप भी टूट जाता है तो कोई जल्दी आता नहीं है देखने के लिए। पे ब्रिज कृष्णनाथ ब्रिज के पास हम लोग अभी थोड़े ब्रिज की जो चौड़ाई है मुश्किल से 10 फुट चौड़ा है, और इसका हाइट अगर नीचे से पकड़े तो मुश्किल से 10 फुट। तो होता क्या कि पूरा नलपाड़ा का जो पानी है वो इस ब्रिज के नीचे से होकर गुजरता है, और हर बार आधा पानी ब्रिज के नीचे से गुजरता है और आधा पानी जो है ब्रिज के ऊपर से गुजरता है। और ये ब्रिज का साइड से जो दोनों लगाया रेलिंग लगाया हुआ है वो अक्सर हर साल टूटता है, और उस टाइम पर ये लोग टेम्परेरीली जो है ज्वाइंट वगैरह वेल्डिंग वगैरह कर देते हैं, ये समस्या जो यथावत रहती है। क्या मांग करेंगे इस साल? हाँ, मेरी मांग आपके चैनल के माध्यम से ये रहेगी ठाणे महानगर पालिका प्रशासन को कि इस साल ये गटर तो आप साफ करो और ठीक से करो, खाली खाना पड़ते मत करो, और उतना ही महत्वपूर्ण काम है ये ब्रिज को रिपेयर करना। तो ब्रिज का आप देखिए रेलिंग दोनों तरफ से टूटी हुई है, अगर ये ब्रिज की हाइट अगर 2 फुट उठाई जाए तब थोड़ा यहाँ समस्या सुधर सकती है। अगर इस साल भी अगर इस ब्रिज का कोई काम नहीं किया गया तो जहाँ तक मुझे अंदेशा है कि ये ब्रिज इस बार टूटेगा और नलपड़ा जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, ना आधे लोग यहाँ के इस तरफ आ पाएंगे ना यहाँ के लोग उस तरफ जा पाएंगे।
और अगर भविष्य में अगर कुछ कैजुअलिटी होती है या भविष्य में कुछ घटना घटती है इस ब्रिज की वजह से, तो प्रशासन इसका पूर्ण जिम्मेदार रहेगा। चुनाव के समय में नगर सेवक गली गली घूमते हैं, घर घर जाके लोगों का हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि हमें आप जिताइए, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे क्योंकि हम आपके नगर सेवक नहीं जनसेवक हैं। लेकिन सच्चाई उसका विपरीत होता है। जीतने के बाद नगर सेवक कितने ग्राउंड पे आते हैं, कितना लोगों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं, हम बात करेंगे। नलपाड़ा में खड़े हैं, नलपाड़ा की यहाँ पे कई महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, इन लोग हैं, ये बताएंगी कि आखिर में वादे करते हैं जो नगर सेवक, उन वादों को कितना पूरा करते हैं। चाची क्या कहेंगी आप, नलपाड़ा के निवासी हैं, नलपाड़ा में जो नगर सेवक लोग कहते हैं कितना पूरा करते हैं, अभी नाला सफाई भी हो रहा है, कितना पूरा करते हैं? अभी नाला अभी सफाई होता है ना, ये 800 साल इतना होता है, बाकी हम लोग इतना पानी में गुजरता है, आता है लोग उठते हैं तो गोल लगता है लोग, और जो बीत जाता है तब हम लोग को कोई नहीं पूछता, हम लोग इतना पानी में रहता है बरसात में। प्रशासन से सरकार से क्या मांग करेंगे आप? हमको मांग है कि हमको बाढ़ नहीं चाहिए, ब्रिज हमको बना के दो, हम लोग का अच्छा से करके दो, बाढ़ नहीं आना चाहिए ना यहाँ। क्या कहेंगे आप, क्या क्या मांग करेंगे सर? यही मांग करेंगे हमारे नलपाड़ा में पानी घुसता है, हर साल नहीं आना चाहिए। नगर सेवक जितना काम करते हैं क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं? नाला थोड़ा कछा चले जाएंगे, पानी डूबती है तो क्या करेंगे? सरकार से क्या मांग? हम लोग इधर आदमी नहीं है, फलेट वाले आदमी है, यही मांग हम लोग को नलपाड़ा में पानी नहीं घुसना चाहिए। क्या कहेंगे हम? मजा करता है बिल्डिंग वाला, पूरा कॉपर बॉडी का सब गटर का पानी इसमें मिल गया, हम सुधर जाएगा। सरकार से क्या मांग करेंगे? ब्रिज के लिए मांग करेंगे, इसके लिए नगर से नहीं घुसना चाहिए, ना पानी घुसेगा तो हम लोग बंगला में घुसेगा, कोई नगर सेवक नहीं। नगर सेवक लोग कितना काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या काम करता है, ऐसे कैसे रह गया, काम क्या लोग किचन लगता है, सेवा काम है, सारा साफ करना, कोई नहीं आता है, कोई नहीं जाता है, मर है ना, साफ कराओ नाला, ब्रिज अगर सपोज आपकी सरकार बातें नहीं मानेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? नगर सेवक आते हैं जब चुनाव पे वोट मांगने और कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, तो कितना लोग करते हैं, और नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? खाली बेटा रहे इधर है, खाली बेटा रहे, हम लोग को बोला तुम लोग हमारा पीछे घूमो, वोट आने दो, वोट वोट के लिए तुम लोग को मदद करो, मदद करने के बाद तुम्हारा ब्रिज बना के देगा, एरिया में आके मदद करेगा, मगर कभी नहीं किया और हमारा आचरण कभी नहीं पूछा, एक बार भी आके खाली बेटा कभी नहीं पूछा। यह वीडियो थाने के नलपाड़ा इलाके का है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि स्मार्ट सिटी वाला यह शहर गरीबों के लिए नहीं है, क्योंकि झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को सुविधा देने में प्रशासन और नेता पीछे रहते हैं, लेकिन बिल्डरों के लिए नेता और प्रशासन के आला अधिकारी सुविधा मुहैया कराने में आगे रहते हैं। दिल्ली से लेकर गली तक, समस्या से लेकर समाधान तक, वादों से लेकर काम तक, अब होगी हर काम की जमीनी पड़ताल, हम उठाएंगे जन समस्या, शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, देखना ना भूले जेजेबी न्यूज पर आपका अपना कार्यक्रम जन समस्या।